भाई मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, कम से कम 50 साल का हमारा साथ था अशफाक भाई का, और कम से कम 25-30 साल से इसी स्टेज पे जश्न ज़ैनब की वो सदारत करते थे। आखिरी मुलाकात इसी जगह वो बैठे थे, इस लायक उनको बहुत कहा लेकिन उनको तकलीफ़ की वजह से स्टेज पे नहीं बिठाला गया। बहरहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ना इसलिए आया था कि मैं कुछ पढ़ूँ या पढ़ता रहता हूँ, या कोई मसला नहीं। कांपती पलकों को वो अशकों की दौलत दे गया, कांपती पलकों को वो अशकों की दौलत दे गया, जो संभल सकती नहीं ऐसी अमानत दे गया। कांपती पलकों को वो अशकों की दौलत दे गया, जो संभल सकती नहीं ऐसी अमानत दे गया। और बस दो शेर और पढ़ता हूँ बस, जो बस उन्हीं की ज़बान के हवाले से हो जाएंगे दोनों शेर बस। असहमत अर्ज करता हूँ कि न खते ना दे अली दिल में बसा रखी थी, ये समझ लीजिएगा उन्हीं की आवाज़ में है ये शेर, पढ़ मेरा। न खते ना दे अली दिल में बसा रखी थी, जिंदगी मैंने हराफत से बचा रखी थी। न खते नादे, ये समझ लीजिए कि अशफाक भाई की रूह कह रही। न खते नादे अली दिल में बसा रखी थी, जिंदगी मैंने हराफत से बचा रखी थी। न घुटन थी न अंधेरा न अजाबों का हिसार, कब्र में साथ मेरे खाके शिफा रखी थी। न घुटन थी न अंधेरा न अजाबों का हिसार, कब्र में साथ मेरे खाके शिफा रखी थी।